यो हे द गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, शायद से और दिनों लेट ही आए क्योंकि रिसेंटली मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। बट क्यों ना मैं तुम्हें बताऊँ आज की इस वीडियो के अंदर 10 ऐसे कुछ वेरिएंट पोकेमॉन्स के जिनके बारे में तुम जानते हैं नहीं जानते वो तो तुम पे है, बट ये पोकेमॉन सिर्फ एक ही है। यानी कि अगर तुम पूरा अपना जिंदगी लुटा दो तो तुम्हारी आगे आने वाली 6 से 7 पुश्ते भी इसको नहीं ढूंढ पाएगी। यानी कि ये पोकेमॉन सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे 900 वेरिएंट है पोकेमॉन के एंड 900 भी पता नहीं कितने लाखों होंगे एक साथ, तो समझ रहे हो ये पोकेमॉन कितने ज़्यादा रेयर होंगे। तो या आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 10 ऐसे कुछ पोकेमॉन्स जो कि सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करते हैं। तुम कितना भी ट्राई कर लो लेकिन तुम्हें दूसरा नहीं मिलेगा, इट्स फैक्ट। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि ऐसा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, मुझे ऐसा लगता है। एंड पोकेमॉन वीडियोज़ देखने में तुम्हें मज़ा आता है, अगर आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें और ऐसे वीडियोस देखने मिले, समझ रहे हो ना। मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे कमेंट्स का। लाइक मैं काफी बार ऐसा होता है कि मैं पोकेमॉन भूल जाता हूँ लेना। ऐसे और भी पोकेमॉन्स होंगे 10 को छोड़ के जो कि बहुत ज्यादा रेयर होंगे एंड सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करते होंगे और शायद से मैंने इस लिस्ट के अंदर उनको नहीं लिया हो, तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, मुझे जानने में काफी मजा आएगा। तो चलो बिन किस तरीके आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्यों ना आज की इस वीडियो की शुरुआत किसी नए तरीके के साथ की जाए। मुझे रिसेंटली एक गाना मिला है तो ये गाने के साथ चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हो गया बहुत गाना बाजी, अब चलो यार वीडियो पे फोकस करते हैं। तो नंबर 10 पे जो पोकेमॉन आता है वो है एश ग्रेंजा फॉर्म। अब जैसे कि तुम्हें पता है कि एश एक लौता पागल है, सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है एश कैचम, और ऐसे दूसरा एश कैचम एग्जिस्ट नहीं करते एक यूनिवर्स के अंदर। और तुम्हें अगर एश ग्रेंजा देखना है तब तुम्हें डेफिनेटली एक एश की जरूरत पड़ेगी, और सारे ग्रेंजा तो एश ग्रेंजा बन नहीं जाते। सो या एश ग्रेंजा एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि एक ही एग्जिस्ट करता है पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर, और इसके अलावा तुम्हें ऐसे और भी कोई पोकेमॉन्स देखने कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन ये तो तब भी काफ़ी ज़्यादा ढीला डाला था, तो क्यों ना नंबर 9 पे जो पोकेमॉन रखूँ मैं वो थोड़ा स्पेशल हो। यानी कि तुम्हें पता होगा केनान्स के गोल्डन सूडो वूडो के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था एक टाउन के अंदर। तुम्हें पता होगा सम ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग पोकेमॉन डिजाइंस जो सीरीज के अंदर आए हैं जनरेशन में छोटो रीजन में स्पेशली, उसमें से एक है ये गोल्डन सूडो वूडो जिसकी इमेज तुम लोग देख सकते हो। ये सूडो वूडो काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल छोटो पोकेमॉन है और शायद ही ऐसा कोई दूसरा पोकेमॉन एग्जिस्ट करता होगा। ये एक स्पेशल शोकेस था पोकेमॉन एनिमे के अंदर और ये शायद से पोकेमॉन सीरीज रूबी एंड सफायर के अंदर भी आया था, आई डोंट नो। एश बिकम वन ऑफ द मेनी पीपल ऑब्सेस्ड विद द गोल्डन वर्जन ऑफ सूडो वूडो। लाइक किसको पसंद नहीं आएगा भाई, इसको काट काट के बेस्ट हो गए ना तुम अंबानी बन जाओगे। अगर तुम्हें सूडो वूडो कहीं दिखे तो ज्यादा दया दयाल करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से इसको काटो और बेच दो भाई, पैसा ही पैसा होगा ब्रो। नंबर 8 पिंकेल आइलैंड की पोकेमॉन्स। अब जैसे कि तुम्हें पता होगा स्पेशली अगर तुम लड़के हो तो तुम रिलेट कर सकते हो, तुम पिंक बनना पसंद नहीं करोगे राइट। और गर्ल्स की बात कुछ और है क्योंकि मुझे नहीं लगता गर्ल्स भी पूरा पिंक बन के घूमना पसंद करेंगी, बट ये पोकेमॉन्स का कुछ अलग ही केस था क्योंकि एक्चुअली में ये नॉर्मल पोकेमॉन्स ही थे बट ये पोकेमॉन्स सिर्फ पिंकेल आइलैंड में ही पाए जाते हैं। यानी कि तुम्हें पता होगा ये पोकेमॉन्स वो होते हैं जो कि एक पिंक कलर की बैरी खा लेते हैं, दैट्स वाई उनका कलर चेंज हो जाता है, कुछ हार्मोन्स में उनके चेंजेस आ सकते हैं ऐसे बैरीज खाने की वजह से। एंड दैट्स वाई ये एक स्पेशल पोकेमॉन का वेरियंट है जो कि सिर्फ पिंकेल आइलैंड में ही फाउंड हो सकता है और सिर्फ एक ही एक, तुम ज्यादा इनको फाउंड भी नहीं कर सकते पिंकन आइलैंड के अंदर भी। सो इट्स क्वाइट रेयर पोकेमॉन एंड तुम ज्यादातर इनको फाउंड नहीं कर पाओगे। नंबर 7 रेयर क्रिस्टल ऑनिक्स। अब जैसे कि मैंने तुम्हें सूडो वूडो के बारे में बताया जो कि पूरा सोने का था, ये पोकेमॉन पूरे क्रिस्टल का बना हुआ था। यानी कि अगर तुम चाहो तो इसको काट काट के ज्वेलरी बना के अपने शरीर में टांग के पहन भी सकते हो। जस्ट इमेजिन करो तुम शॉल की तरह ऑनिक्स को अपने गले पे ओढ़ के पहन रहे हो, ओ भाई कितना अजीब लगेगा। बट बेसिकली ये काफी ज्यादा रेयर क्रिस्टल ऑनिक्स था और इसके पीछे की भी एक स्पेशल थ्योरी थी जिसके बारे में मैं शायद आगे चल के कभी बात भी करूं, बट तुम्हें पता होगा ये क्रिस्टल ऑनिक्स सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है और उस एपिसोड के अंदर ऐसा बताया गया था जो कलाकार इस क्रिस्टल ऑनिक्स को देख लेता है उसकी कला बनाने की आपूर्ति और ज्यादा बढ़ जाती है, तुम कह सकते हो काफी हिंदी हो गई। तो बेसिकली ऐसा मतलब था कि क्रिस्टल ऑनिक्स काफी ज्यादा रेयर है एंड तुम्हें एटलीस्ट अपनी लाइफ में इसको एक बार देखना चाहिए पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर, ऐसा बोला जाए क्योंकि इस क्रिस्टल ऑनिक्स ने अपने
आप को अडैप्ट कर लिया है पानी के अंदर, जो कि नॉर्मली ऑनिक्स नहीं कर पाते, क्योंकि ऑनिक्स वो सांप है जो कि डूब के मर जाएंगे अगर तुम एक बाल्टी में भी उसको रख दोगे तो। या दैट्स पोकेमॉन। नंबर 6 स्नोलैक्स। तुम लोग स्नोरलैक्स के बारे में तो जानते होंगे, या ये पोकेमॉन को स्नोरलैक्स कहा जाता है, बट क्या तुम लोग स्नोलैक्स के बारे में जानते हो? शायद से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है क्योंकि ये एपिसोड कभी इंडिया के अंदर लॉन्च ही नहीं हुआ था। देर आर मैनी फिल्म्स जो कि पोकेमॉन को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड करती है इसके एनिमे सीरीज़ को, और ऐसे काफ़ी सारी फिल्म्स होती हैं जो कि एनिमे को थोड़ा एक्सटेंड करती हैं। बट मैं तुम्हें बता दूँ, कुछ ऐसे करस्पॉन्डिंग शॉर्ट फिल्म्स भी होती है और छोटी मोटी एपिसोड्स, स्पेशल एपिसोड्स जिनको तुम कहते हो, जिसके अंदर थोड़ा सा अलग हट के दिखाया जाता है। तो एक ही ऐसे हलक हट के एपिसोड में तुम्हें बताओगे, एक बार क्या होता है ना, एक बार पीकाचू का विंटर वैकेशन एंजॉय कर रहे होते हैं वो लोग, शायद तुम्हें ये वाला एपिसोड याद होगा जहाँ पे ये लोग क्रिसमस मना रहे होते हैं, उस एपिसोड के अंदर तुम्हें पता होगा स्नोलैक्स दिखाया गया था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्नोलैक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्नोलैक्स। या गाइस, ये पोकेमॉन बना हुआ था पूरे स्नो से, एंड ये पोकेमॉन सिर्फ रात के वक्त ही दिखाया गया था, और इसे कहा जाता है कि ये पोकेमॉन बहुत ज़्यादा रेयर है और काफ़ी कम ही पाए जाते हैं, या फिर बोलूँ कि एक दो गिन के ही बचे हैं। और मैं बता दूँ कि पोकेमॉन जो है आइस टाइप अपने पास रखते हैं, जबकि स्नोलैक्स सिर्फ नॉर्मल टाइप होता है, बट स्नोलैक्स आइस टाइप पोकेमॉन भी है। एंड शायद से ये पोकेमॉन तुम लोग एडवेंचर रेड चैप्टर के अंदर भी देखने मिल सकता है तुम लोग को ये पोकेमॉन। अभी तक तो मैंने तुम्हें कुछ ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में बताया जो कि सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करते हैं, बट अब मैं तुम्हें जो पोकेमॉन्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो एक ही एग्जिस्ट करते हैं बट दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग डिजर्व ही नहीं करते वो। तुम्हें बताओगा पीकाचू के बॉस पोकेमॉन के बारे में। या पीकाचू का एक बॉस था जिसका नाम था पिकाला, इफ आई रिमेंबर, अलोला रीजन के अंदर दिखाया गया था। ये पोकेमॉन काफी ज्यादा स्पेशल था, डिस्पाइट बीइंग अ शाइनी पोकेमॉन, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। ये पोकेमॉन इसलिए स्पेशल था क्योंकि इसके पास एक खुद की एक स्टाइल थी, वो तो ठीक है, लाइक इतना बड़ा सर पे बाल जनरली किसी पिकाचू के नहीं होता, और ये कोई स्पेशल पिकाचू नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़, इसकी पावर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि मान लो तुम एक जैपडॉस को एक चूहे के अंदर ला दो तब जाके तुम्हें ये इतना ज़्यादा स्पेशल पिकाचू देखने मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग कि ये पिकाचू कितना ज़्यादा स्पेशल था, और ये सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है। नंबर 4 द एंशिएंट पोकेमॉन ऑफ पोकेमोपोलिस। तुम्हें पता होगा ये पोकेमॉन्स के पास एक स्पेशल मिस्टीरियस मार्किंग थी जो कि कर्स मार्क या ऐसा कुछ हो सकता था। डोंट वरी गाइस, इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस मार्क का क्या सीक्रेट है जो कि इन पोकेमॉन के बॉडीज पे है। आई होप तुम्हें वो वीडियो काफी पसंद आए, एंड शायद से अगर तुम ये वीडियो 2 हफ्ते बाद देख रहे हो रिलीज डेट के तो वो वीडियो आ चुकी है चैनल पे, तो देख लेना याद से। एंड गाइस, मैं तुम्हें बता दूं ये पोकेमॉन इसलिए स्पेशल थे क्योंकि ये पोकेमॉन गॉड थे, यानी कि साइकिक टाइप पोकेमॉन का एक गॉड एलेकजाम, घोस्ट टाइप पोकेमॉन का एक गॉड गेंगार, और नॉर्मल टाइप पोकेमॉन का एक गॉड क्लिफेरी, ऐसा सीन था, ठीक है। एंड हर पोकेमॉन का एक गॉड हुआ करता था, और ये सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करते थे क्योंकि वो गॉड पोकेमॉन के पास ऐसा कुछ मार्क हुआ करता था। डोंट वरी गाइस, जब इस पर मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा एंशिएंट पजल ऑफ पोकेमोपोलिस के बारे में, तब मैं तुम्हें इस वीडियो में सब कुछ समझा दूंगा। एंड तब तक के लिए तुम ये समझ जाओ ये 3 पोकेमॉन सिर्फ 3 ही थे, यानी कि इनके जैसा और कोई नहीं। नंबर 3 द पिंकी पिंक बटरफ्ली ने अपने बटरफ्ली को पागल बनाया। तुम्हें याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं तुम्हें बताया था बटरफ्ली एक्चुअली जिस बटरफ्ली के साथ गया था वो एक्चुअली में मेल था। अगर तुम्हें वीडियो देखनी है तो जाओ वो वाली वीडियो, कहीं तुम्हें आई कार्ड में फ्लैश हो गया होगा तो जल्दी से देख लो। बट तुम्हें बता दूं ये बटरफ्ली के बारे में एक चीज़ कि ये बटरफ्ली काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। काफ़ी लोग को ऐसा लगा था कि ये बटरफ्ली एक्चुअली में एक शाइनी होने वाली थी, बट नहीं गाइस, ये एक्चुअली में शाइनी बटरफ्ली नहीं है। शाइनी बटरफ्ली ऐसी दिखती है, और ये बटरफ्ली पिंकेन आइलैंड से भी बिलोंग नहीं करती, क्योंकि जो पोकेमॉन पिंकेन आइलैंड से बिलोंग करते हैं वो पूरे पिंक होते हैं, कोई डिज़ाइन में नहीं पिंक होते। और जबकि तुम ये बटरफ्ली में देख सकते हो इसका पैर ब्लू है, ये सब नहीं होता। जो पोकेमॉन पिंकेन आइलैंड से होते हैं वो पूरे पिंक होते हैं। दैट्स व्हाई ये पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था, एंड ऐसा पोकेमॉन तुम्हें कभी दोबारा देखने नहीं मिलेगा। नंबर 4 द पोकेमॉन वेरी फर्स्ट एपिसोड डेब्यूट अ गोल्डन वेरिएशन ऑफ लेजेंडरी हो-हो। तो बताओगे ये हो-हो एक्चुअली में नॉर्मल हो-हो नहीं था, मेरी बात मानो तो ये एक स्पेशल हो था जिसके बारे में पोकेमॉन कंपनी ने आइडिया ड्रॉप कर दिया। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि पोकेमॉन वालों को कोई शाइनी हो ऐसा कुछ लाना होगा, या फिर ट्रू गॉड ऑफ हो ऐसा कुछ, पता नहीं यार। बट सीरियसली ये हो हम लोग को कभी दोबारा देखने नहीं मिला। हम लोग हो देखने मिला जिसके पास रेड कलर, ब्लू कलर, ऐसे ऐसे कलर्स थे, बट ये गोल्डन हो हम लोग को कभी दोबारा देखने नहीं मिला। इस पर वीडियो ला रहा है तुम्हारा भाई, वे सारे कंटेंट पर बनाएगा, तुम बस देखते जाओ, तुम बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें ऐसे वीडियोस आए तो तुम्हें नोटिफिकेशन पहुंचे यार। नंबर 1 विक्टर्स का पी कहुना पूका। ये एक सर्फिंग पिकाचू था, तुम्हें पता होगा ये पिकाचू पानी की लहरों को महसूस कर सकता था, जो कि नॉर्मली क्या कोई भी पोकेमॉन फील नहीं कर सकता। लाइक मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता क्योंकि तुम्हें पता है यार पूका कितना ज़्यादा स्पेशल पिकाचू था, और ये पूका सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है। एक लौता ऐसा वेरिएशन है पिकाचू का जो कि नीली आंख वाला है, एंड वो लहरों को महसूस कर सकता है।
तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, आई होप तुम्हें पसंद आए होंगे 10 कुछ ऐसे पोकेमॉन्स। एंड तुम्हें अगर और कुछ पोकेमॉन्स के बारे में पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ, मैं वेट करूंगा तुम्हारे कमेंट का। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हें मैंने बताया कि आगे दो कमाल के थ्योरी वीडियोस आने वाले हैं, तो उसका तुम्हें पास नोटिफिकेशन पहुंचे इसलिए सब्सक्राइब कर लो, और साथ वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे कर दो, ताकि बेसिकली मेरा वीडियो आए तो तुम्हारा फोन पे टंग करके आवाज आए। तो या सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन आज का पोके क्वेश्चन, आज के पोके क्वेश्चन फिनिश तुम्हारे सामने है, अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए पीस आउट।